हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुदीप सारण और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। हमारी फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन यूनिट में ऑल ओवर हमारे पास चार चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और लास्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इस यूनिट में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और इसके लिए अलग अलग मेथड्स या ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, ये सब कुछ इस पूरी यूनिट रिप्रोडक्शन यूनिट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम रिप्रोडक्शन की बेसिक बातों को जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसा होता है और कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, आगे इन्हीं चीज़ों को हम इलेबोरेट करके चैप्टर्स में अलग अलग पढ़ेंगे। प्लांट्स के केसेस में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे और ह्यूमंस के केस हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इस तरह हम पूरी रिप्रोडक्शन यूनिट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की जब बात आती है तो सबसे पहले पॉइंट ये उठता है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है या फिर रिप्रोडक्शन की एसेंशियलिटी क्या है, क्यों होना चाहिए रिप्रोडक्शन। तो देखो, पहली बात, रिप्रोडक्शन एक इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, एक पूरी प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी सेम काइंड के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। क्लियर है, यही होता है रिप्रोडक्शन, जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड। ठीक है, ऑफ इट्स ऑन काइंड, उसकी ही तरह के ऑफस्प्रिंग्स, संतति या प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर है, बट होता क्यों है, रीजन, इसकी एसेंशियलिटी क्या है। तो देखो, हम लोग या फिर इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा एक चीज के लिए अपना मैक्सिमम प्रोवाइड करता है। वो क्या है, वो फंक्शन क्या है जो परफॉर्म करने के लिए अपना मैक्सिमम एफर्ट प्रोवाइड करता है, वो है कंटिन्यूटी ऑफ इट्स लाइफ स्पैन, कि वो जिंदा रहे। ठीक है, वो जिंदा रहे, वो लिविंग, उसका एग्जिस्टेंस बना रहे इस अर्थ पे, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड हो, ऐसा करने के लिए वो अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाता है। ठीक है, समझ रहे हो कि वो जिंदा रहे। अब जिंदा रहने से मतलब क्या है, कि खुद की प्रजाति, खुद की जो स्पीसीज है उसको प्रपेचुएट करे, उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखे, मतलब खुद की प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखे। यानी हम हैं ह्यूमंस इस धरती पे, तो ह्यूमंस इस धरती पे बने रहे आगे तक, ये हमारा एट लास्ट मेन टारगेट या पॉइंट यही है जिसके लिए हम इस अर्थ पे आए हैं, हमारी बर्थ हुई है। हमें क्यों पैदा किया गया, हमारे पेरेंट्स के द्वारा, ताकि ह्यूमन जो स्पीसीज है वो कंटिन्यूटी में रहे, ह्यूमंस इस धरती पे रहे। ठीक है, खत्म ना हो जाए, हमारा एग्जिस्टेंस बना रहे। ठीक है, हम रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, ताकि नेक्स्ट ह्यूमंस पैदा हों और इस हमारी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखें, परपेचुएट करें ह्यूमन स्पीसीज को इस अर्थ पे। तो यही एक हमारा मेन टारगेट यही रहता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन से नहीं, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज हो, उसका टारगेट यही है कि उसकी स्पीसीज इस धरती पे बनी रहे, इस अर्थ पे कंटिन्यूटी रहे उसकी स्पीसीज की। तो कैसे रहती है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म एक ही तरह से रह सकती है, या तो इमोर्टल हो जाओ, मरो ही ना, मतलब जिसका कोई अंत ना हो, डेथ ही ना हो जिस ऑर्गेनिज्म की, वो इस धरती पे हमेशा बना रहेगा, तो उसकी स्पीसीज को तो कोई खतरा नहीं है, नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके। ठीक, नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर, फिर सेकंड, कि अपने जैसे ही पैदा करते जाओ, तुम्हें तो मरना ही है एट लास्ट, अपने जैसे ही बनाते जाओ आगे से आगे, तो वही हम लोग करते हैं और उसी के लिए जो प्रोसेस यूज होती है उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो रिप्रोडक्शन वही प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ओन काइंड के ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करता है, जो उसके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं या फिर उसकी प्रोजेनी कहलाती है। समझ गए, ये मैकेनिज्म रिप्रोडक्शन है। तो लिखो सबसे पहले, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस is a complex process by which
एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स बोल दो या फिर बोल दो प्रोजेनी ऑफ इट्स ऑन काइंड, उसी की तरह की। ये रिप्रोडक्शन है, बेसिकली ये डेफिनेशन होती है रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी तरह के जीवों को उत्पन्न करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। रीजन, इसका रीजन क्या है कि रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो, एसेंशियलिटी क्या है, तो वो हम नोट में लिखेंगे, नोट में नोट डाल के लिखेंगे कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एनी स्पीसीज। ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पे किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए जो एसेंशियल प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, वो रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, समझ गए। तो रिप्रोडक्शन के अगर और एक आदि स्पेसिफिक पॉइंट हम लोग डिस्कस करें तो वो क्या होगा कि रिप्रोडक्शन इज फंडामेंटल फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक फंडामेंटल प्रोसेस है, बट याद रखने वाली चीज क्या है, बट नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोगों ने ये तो कहा है कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है या प्रोसेस है, उनके अंदर परफॉर्म होती है, बट ये चीज भी याद रखनी जरूरी है कि रिप्रोडक्शन जो है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक होने के साथ साथ एक्सेप्शनली एक पॉइंट ये भी आता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो लिविंग होते हुए भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, जिनके अंदर रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। तो हम यही डिस्कस करना चाहते हैं, मैं इस पॉइंट से यही तुम्हें बताना चाहता हूं कि रिप्रोडक्शन को हम कभी भी इस बेसिस पे क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये लिविंग्स में प्रेजेंट होती है और नॉन लिविंग्स में एब्सेंट होती है, ठीक है। हाँ, नॉन लिविंग्स में एब्सेंट होती है, बट कुछ लिविंग्स में भी तो एब्सेंट है, तो इसको कंसिडर नहीं कर सकते लिविंग को नॉन लिविंग, लिविंग को नॉन लिविंग से सेपरेट करने के लिए, रिप्रोडक्शन को कंसिडर नहीं कर सकते। रीजन समझ गए कि कुछ लिविंग्स में भी एब्सेंट है, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफरेंशिएटिंग बेसिस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी रिप्रोडक्शन को हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बेसिस के तौर पर यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, समझ गए, क्योंकि रिप्रोडक्शन कुछ लिविंग्स में भी एब्सेंट होती है, समझ रहे हो ये पॉइंट। ये दो तीन पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन होती क्या है, ठीक है, रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है, और रिप्रोडक्शन को हम किस बेसिस पे यूज कर सकते हैं, किस बेसिस पे यूज नहीं कर सकते, समझ गए, क्लियर है। चलो आगे देखो, ये तो हुआ पहला इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का,
अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसकी पूरी प्रोसेस या मैकेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन की जब भी बात आती है तो रिप्रोडक्शन ऐसे नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोड्यूस किया, नए ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए, उन्होंने डायरेक्ट रिप्रोडक्शन किया, फिर ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए, फिर डायरेक्ट रिप्रोडक्शन हुआ, फिर नई प्रोजेनी बनी, ऐसा चलता रहा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इतनी फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं है। पर्टिकुलर स्टेजेस आते हैं, पर्टिकुलर डेवलपमेंटल फेज क्लियर करने पड़ते हैं, तब जाकर के ऑर्गेनिज्म कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के, और तब जाकर के रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया जाता है। समझ रहे हो? ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हमें ऑर्गेनिज्म की लाइफ को समझना पड़ेगा, पूरी लाइफ को, कि उसके लाइफ में कौन कौन से फेजेस आते हैं, कैसे उसकी लाइफ कैरी फॉरवर्ड होती है, अलग अलग फेजेस, यानी ऑर्गेनिज्म एक फेज से निकल के दूसरे फेज में ट्रांसफर होता है, फिर दूसरे से तीसरे में, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ऐसा चलता रहता है। तो देखो, ये डिफ्रेंशिएशन या फिर ये फेजेस, इनको समझने के लिए हमें एक स्केल दे दिया गया बायोलॉजी की तरफ से। बायोलॉजी ने हमें एक स्केल दिया है जिससे हम लोग ये चीज समझ सकते हैं। उस स्केल को हम लोग लाइफ स्पेन बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन दे दिया हमें बायोलॉजी ने। ठीक है, अब इस बोला कि इस बेसिस पे तुम लोग हर चीज डिस्कस कर सकते हो जो डिस्कस करना चाहते हो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो लाइफ स्पेन है क्या एक्चुअल में? एक्चुअल में लाइफ स्पेन है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है, यानी स्केल है टाइम का। ठीक है, टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर के उसके नेचुरल डेथ के बीच में जो टाइम पीरियड होता है ना, वो पूरा का पूरा उसका लाइफ स्पैन कहलाता है। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, यानी उसकी बर्थ हुई, ठीक है, बर्थ से लेकर के उसकी डेथ तक, उसकी डेथ तक जितना भी टाइम वो इस धरती पे रहा, ठीक है, इस अर्थ पे उसकी एग्जिस्टेंस रही, उस टाइम पीरियड को लाइफ स्पेन बोला जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? अब एक चीज याद रखने वाली कि ये जो डेथ है ना, ये डेथ नेचुरल डेथ होनी चाहिए, नेचुरल डेथ होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई छोड़ गई, चलो ट्रेन ढूंढते हैं, सल्ट गए, वो लाइफ स्पेन काउंट नहीं किया जाएगा। पर्टिकुलर एक फेज क्लियर करो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे फेजेस क्लियर करते करते एट लास्ट ऐसी कंडीशन आती है जहां पर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टॉप हो जाती हैं बॉडी की, और लास्ट में तुम लोग सल्ट जाते हो, आई मीन डेथ हो जाती है। ठीक है, वो कंडीशन नेचुरल डेथ की होती है, नेचुरली सल्टना, मतलब नेचुरल डेथ हो जाना। ठीक है, ये लाइफ स्पैन होता है बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ के बीच का टाइम पीरियड। क्लियर हो गया? अब लाइफ स्पैन है ना, हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। ठीक है, लाइफ स्पैन डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कहूं या फिर स्पीसीज कहूं, हर स्पीसीज का, हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। बट हम लोग ऑर्गेनिज्म्स में, जैसे हम ह्यूमंस हैं, तो हम सबका एक एवरेज मान के चलते हैं कि एवरेज लाइफ स्पैन हमारा 100 ईयर्स है। था, है नहीं, है तो लगभग 70 के करीब, इतना ही निकाल पाते हो, रिजल्ट जाते हो। ठीक है, तो मतलब ये है कि एवरेज मान के चलते हैं सबका। तो ऑर्गेनिजम्स में तो हम लोगों ने एवरेज मान लिया, बट है तो हर एक का अलग अपना खुद का है, और स्पीसीज का तो बिल्कुल ही अलग होगा। ठीक है, जैसे हमारा और कुत्तों का कंपेयर करें तो उनका लाइफ स्पैन अलग है, हमारा लाइफ स्पैन अलग है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कितना है, क्या कुछ है। बट पॉइंट है कि लाइफ स्पैन हर ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज का अलग अलग होता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि देयर इज नो एनी एसेंशियल कोरिलेशन
बिटवीन लाइफ स्पैन एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज का उसके लाइफ स्पैन से कोई रिलेशन नहीं है। ये नहीं है कि हाथी बहुत बड़ा है तो बहुत लंबे टाइम तक जिएगा, चींटी बहुत छोटी है तो बहुत कम टाइम तक जिएगी। ठीक है, हाँ ये बात सही है, बट साइज से रिलेशन नहीं है ना उसका। उसका अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने टाइम तक जिएगा, लाइफ स्पैन क्या होगा उसका। ठीक है, अब इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल मान के चलते हैं। एग्जाम्पल लो जैसे पैरट हो गया और क्रो हो गया, पैरट एंड क्रो हो गया, दोनों के साइज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है, सेम है, कहीं ना कहीं क्रो का थोड़ा सा ज्यादा ही पड़ता है, बाकी पैरट और क्रो का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है। जबकि पैरट का लाइफ स्पैन कितना है, पैरट का लाइफ स्पैन है 140 years, 140 साल। ठीक है, और क्रो का लाइफ स्पैन है मैक्सिमम 15 years। तो समझ गए कि साइज भले ही सेम हो, डिफर हो, छोटा हो, बड़ा हो, कितना ही हो, बट लाइफ स्पैन का इससे कोई रिलेशन नहीं होगा, लाइफ स्पैन अलग होगा, कोई कोरिलेशन नहीं है लाइफ स्पैन और साइज के बीच में। देख सकते हो पैरेट और क्रो का साइज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है, जबकि इनके लाइफ स्पैन में रात दिन का अंतर है, एक तो 15 साल जिएगा और एक 140 साल जीता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है कि लाइफ स्पैन का उस किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज से कोई कोरिलेशन नहीं है। क्लियर हो गया। तो लाइफ स्पैन के पॉइंट कि बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच का टाइम पीरियड है, सेकंड हर ऑर्गेनिज्म हर स्पीसीज का अलग अलग होता है, थर्ड कि कोई कोरिलेशन नहीं है साइज और लाइफ स्पैन के बीच में। तीनों पॉइंट क्लियर हुए, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन देख लेते हैं नॉर्मली, जो हमारी बुक भी कई बार पूछ लेती है और कुछ डायग्राम बना करके दिए हुए भी हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑर्गेनिज्म नॉर्मली हमारे डेली लाइफ में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म है, या जिन्हें हम यूटिलाइज करते हैं या डोमेस्टिकेटेड करते हैं वैसे हैं। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिज्म्स का लाइफ स्पैन देखना। लाइफ स्पैन ये नहीं है कि कोई फिक्स इतने कोई लिमिट डिसाइड करके इतनी होगी, लाइफ स्पैन बहुत वेरिएबल है, बहुत छोटे से लाइफ स्पैन से लेकर के बहुत बड़े लाइफ स्पैन भी देखने को मिले हैं हमें। ठीक है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बहुत छोटा भी है और किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बहुत कई सौ सालों का भी है, तो वेरिएबल है लाइफ स्पैन हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सबसे छोटा लाइफ स्पैन है एक इंसेक्ट होता है मेफ्लाई। मेफ्लाई का लाइफ स्पैन होता है अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स या फिर 1 day। ठीक है, एक दिन में ये इंसेक्ट अपनी लाइफ के सारे स्टेजेस कंप्लीट कर लेता है। इंसेक्ट है तो कई सारे स्टेजेस होंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, कैसे कि लार्वा होगा, लार्वा से निम्फ, प्यूपा, अडल्ट, ये सारे स्टेजेस आएंगे और ये सारे स्टेजेस इसके एक दिन में ही कंप्लीट हो जाते हैं, 24 घंटे में ही इसका टाइम पीरियड या लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मेफ्लाई को 1 day इंसेक्ट भी बोला जाता है। ये एक दिन का इंसेक्ट है, समझ गए, क्लियर। सेकंड फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 week होता है, 1 to 2 हफ्ते होता है फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन भी अप्रोक्सीमेटली 2 week ही होता है।
क्लियर है। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ प्लांट्स को। प्लांट्स में हम लोग सबसे पहले फोर्थ नंबर पे ले लेते हैं राइस प्लांट। राइस प्लांट, राइस प्लांट का लाइफ स्पेन अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ का होता है, 4 महीने ही होता है पूरा पूरा लाइफ स्पेन राइस प्लांट का, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट्स में ही वीट प्लांट का, जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं हमारे आसपास मिल जाते हैं, हम जिनकी खेती करते हैं उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। वीट प्लांट, वीट प्लांट का लाइफ स्पैन होता है लगभग 5 महीने का, 5 मंथ्स, ठीक है। फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिज्म से पहले एक फ्लावरिंग प्लांट आता है जैसे हम लोग मानते हैं, कई बार पूछा भी गया है, रोज बुश का, गुलाब के पेड़ की जो झाड़ी होती है, गुलाब की झाड़ी होती है रोज बुश, उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? तो रोज बुश का लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली 10 साल का होता है, 10 ईयर्स, ठीक है। फिर कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डिस्कस कर लेते हैं, जैसे रैट है, चूहा, मूसा। तो गणेश जी की सवारी का लाइफ स्पैन है अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर्स, 4 साल। ये एक्चुअल में 4 नहीं, ये 2 to 4 होता है, 2 to 4 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लाइफ स्पैन 8th नंबर पे क्रो का, जो अभी अभी हम लोगों ने नोट डाउन किया था। क्रो का लाइफ स्पैन होता है अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर्स, लगभग 15 साल, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वो जिसे हम सब माता के नाम से जानते हैं, यानी गाय, काऊ। काऊ का लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स का होता है, 20 to 25 ईयर्स, ठीक है। फिर डिस्कस करेंगे कुतेड़ को, यानी डॉग। डॉग का लाइफ स्पैन भी अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 ईयर्स का ही होता है, 20 to 25 ईयर्स का ही होता है। जबकि जो मौसी है यानी कैट है, उसका लाइफ स्पैन डॉग से ज़्यादा होता है, और कैट का लाइफ स्पैन होता है अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 ईयर्स, 35 to 40 ईयर्स कैट का लाइफ स्पैन होता है। फिर नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो मैं डिस्कस करूँगा लाइफ स्पैन हॉर्स का, हॉर्स का लाइफ स्पैन, हॉर्स का लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स का होता है, 50 साल होती है एक घोड़े की जिंदगी, ठीक है, घोड़ा। नेक्स्ट 13th अगर मैं डिस्कस करूँ तो 13th में डिस्कस करूँगा क्रोकोडाइल, क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन लगभग 60 ईयर्स होता है, लगभग 60 ईयर्स। फिर नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा हाथी मेरा साथी, एलिफेंट, एलिफेंट का लाइफ स्पैन होता है लगभग 60 to 75 ईयर्स, क्लियर है। फिर नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो मैं डिस्कस करूंगा लाइफ स्पैन ईगल का, ईगल का, ईगल का लाइफ स्पैन होता है अप्रोक्सीमेटली 90 ईयर्स, 90 साल। और फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लाइफ स्पैन ह्यूमन का, ह्यूमन का लाइफ स्पैन होता है लगभग, हम लोग
आइडिया मान के चलते हैं 100 साल, बट आजकल कोई नहीं जीतता इतना, ठीक है, सबका घट करके 70 से 80 के बीच में रह गया है। इतना लाइफ स्पैन किसी का नहीं होता, इतना हो तो लोग रिकॉर्ड मानने लग जाते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई बूढ़ा 100 साल जी गया है, समझ गए। तो ये नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन है जो हम लोग डेली रूटीन में देखते हैं, ठीक है। ये सबसे कम से लेकर के अब तक हम 100 ईयर्स पे पहुँचे, बट इससे भी बहुत ज़्यादा वाइड रेंज होती है लाइफ स्पैन की, वो भी डिस्कस करेंगे। एक बार ये सारे नोट डाउन कर लो, क्लियर। अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ एक्सेप्शनल लाइफ स्पैन्स भी देखने को मिले हैं हमें। कुछ एक्सेप्शनल लाइफ स्पैन्स भी देखने को मिले हैं, वो हैं जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे बनियान ट्री, बरगद के पेड़ की। बरगद यानी फिकस अरेलिजियोसा, बेंगालेंसिस। फिकस बेंगालेंसिस का लाइफ स्पैन होता है अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 ईयर्स, 200 से 300 साल, क्लियर है। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा पीपल का। फिकस रिलीजियोसा जो है पीपल ट्री, उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, तो उसका लाइफ स्पैन होता है अप्रोक्सीमेटली 2000 से 3000 ईयर्स, 2000 से 3000 साल का टाइम पीरियड होता है फिकस रिलीजियोसा यानी पीपल ट्री का, पीपल के पेड़ का, क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूं तो एक पेड़ है सिक्वेया, जिसे हम लोग रेडवुड ट्री के नाम से जानते हैं। रेडवुड ट्री, इसका लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली 3000 से 4000 साल के पास देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे एक्सट्रीम लाइफ स्पैन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अगर इससे भी एक्सट्रीम जाएं तो हमें एक प्लांट मिला है साउथ वेस्ट कैलिफोर्निया के बीचेस के पास, एक प्लांट के एक तरह से तुम लोग कह सकते हो फॉसिल्स मिले हैं, वो है स्पेशल थोड़ा सा, लेरिया ट्राइडेंटाटा, लेरिया ट्राइडेंटाटा। इसका लाइफ स्पैन आइडिया लगाया गया है, कैलकुलेट किया गया है, लगभग है 11,500 ईयर्स अप्रोक्स, इसका लाइफ स्पैन इतना है, ठीक है। ये एक रफ आइडिया है अभी, ठीक है, साउथ वेस्ट कैलिफोर्निया के बीचेस के पास मिला है हमें ये प्लांट लेरिया ट्राइडेंटाटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत कम से कम लाइफ स्पैन से स्टार्ट करके, जो कि 24 आवर्स का था, एक दिन का था, हम लोग एक्सट्रीम लाइफ स्पैन जिसे हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो हो सकता है, वहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसे, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर है। तो ये कुछ लाइफ स्पैन की एक्सट्रीम वैल्यूज थी, नोट डाउन कर लो, क्लियर। अब आगे चलते हैं, ये होगी लाइफ स्पैन की बात। अब ये लाइफ स्पैन के एग्जांपल थे, कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज थी लाइफ स्पैन की, ठीक है, बहुत कम से लेकर के बहुत ज्यादा कितना हो सकता है लाइफ स्पैन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब हम पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं।
पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म्स हैं इस अर्थ पे, हम लोग पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लाइफ स्पैन को देख रहे हैं और उनको जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलग अलग फेजेस भी डिवाइड करेंगे, बट उससे पहले एक पॉइंट सॉरी डिस्कस कर लेते हैं कि जो लाइफ स्पैन है ना, वो ऑर्गेनिज्म्स में किस तरह काम करता है, किस तरह फंक्शनल होता है एक बेसिस पे, कि ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हैं, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, ये तुम लोग जानते हो, ठीक है। और ये अर्थ पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म्स हैं, या तो मल्टीसेलुलर हैं या यूनिसेलुलर हैं। उन दोनों में लाइफ स्पैन में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस होंगे उन दोनों के लाइफ स्पैन के, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इसी के बीच में पॉइंट ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर भी होगा और मल्टीसेलुलर भी होगा। यूनिसेलुलर भी होगा और मल्टीसेलुलर भी होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, यहाँ ज़्यादा नहीं लिखेंगे कि बॉडी सिंगल सेल की बनी हुई है, बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स की बनी हुई है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लाइफ स्पैन किस तरह काम करता है वो देखना है। तो देखो, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका लाइफ स्पैन कैसा होता है, इनके अंदर कोई नेचुरल डेथ नहीं होती, कोई नेचुरल डेथ नहीं होती यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो कहने का मतलब क्या है, क्या इनका लाइफ स्पैन कभी खत्म नहीं होगा, एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर चलता रहेगा। तो इनका लाइफ स्पैन थोड़ा सा स्पेशल टाइप का होता है कि इन ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल डेथ तो होती नहीं है। हाँ, एक्सीडेंटल डेथ पॉसिबल है, डेथ पॉसिबल है, बट वो भी एक्सीडेंटल, तो नेचुरल डेथ नहीं होगी इन ऑर्गेनिजम्स की। नेचुरल डेथ ना होने के कारण क्या है कि इनके जो सोमेटोप्लाज्म और जो जर्म प्लाज्म होता है इनका, उनमें कोई क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं होती, दोनों के दोनों अप्रोक्सीमेटली मिक्सअप होते हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिक्सड ही रहेंगे दोनों के जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म, ठीक है। तो डेथ कौन सा वेरिएंट कोज करता है, डेथ कोज करता है सोमेटोप्लाज्म, जहां जाकर के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टॉप होने लग जाती है या कंप्लीटली फुल प्रूफ या फुल एक्सप्रेशन में परफॉर्म नहीं हो पाती, वो एक रेगुलर मैनर में एट लास्ट डेथ तक चला जाता है, ठीक है, ऐसा चलता चलता। बट इनके अंदर तो सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म में कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है, अलग अलग है नहीं, दोनों मिक्सअप है, तो इनकी नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है, जबकि यहां नेचुरल डेथ प्रेजेंट है, इनकी नेचुरल डेथ होती है। इनकी नेचुरल डेथ होती है और एक्सीडेंटल डेथ तो दोनों की ही हो सकती है, यानी हम लोग क्या करें, अमीबा लें और अमीबा को स्क्वीज कर दें, ठीक है, मसल दें, अबे सल्ट गया ना अमीबा, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, समझ रही हो, कुछ ऐसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लें, उनको ऐसी कंडीशन दे दें, हैबिटेट ऐसी दे दें, तो उनकी एक्सीडेंटल डेथ तो हम लोग करवा सकते हैं, ठीक है, उनके साथ किसी भी तरह की दुर्घटना करके, समझ गए, उसे ही एक्सीडेंटल डेथ बोलते हैं। तो इनकी नेचुरल डेथ तो होती नहीं, नो नेचुरल डेथ ऑकर्स, बट एक्सीडेंटल डेथ पॉसिबल, एक्सीडेंटल डेथ इज पॉसिबल, इनकी एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, पॉसिबल है इनकी एक्सीडेंटल डेथ, ठीक है, ये एक पॉइंट है, कई बार पूछ लिया गया था, समझ गए, तो डिस्कस कर लिया, इनकी एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, नेचुरल डेथ नहीं हो सकती। अब नेचुरल डेथ ना होने का रीज़न भी हम लोग यहीं डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनके सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, नो क्लियर कट डिफरेंशिएशन बिटवीन सोमेटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म,
इनके सोमेटोप्लाज्म और जर्मोप्लाज्म में कोई क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन नहीं है, तो इसकी वजह से नेचुरल डेथ नहीं होती। समझ गए क्यों नहीं होती? क्योंकि नेचुरल डेथ का कोज होता है सोमेटोप्लाज्म, और जर्मोप्लाज्म तो कंटिन्यूटी बनाए रखता है स्पीसीज की, तो ये जब दोनों मिक्स होंगे तो ये कंटिन्यूटी ही बनाए रखेंगे, नेचुरल डेथ होती नहीं है। एक होगा डिवाइड हो जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा, यानी ये इमोर्टल होते हैं एक तरह से, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अगर मैं कहूँ तो एक तरह से इमोर्टल होते हैं ये। अमर बोलते हैं जिसे, ये अश्वत्थामा है, इमोर्टल है, क्लियर। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे आते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल डेथ पॉसिबल है बिकॉज देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंशिएशन। Differentiation is present between somatoplasm, and germplasm. Somatoplasm और germplasm में clear cut differentiation है, यानी somatoplasm की death होनी है तो होनी ही है, ठीक है। Natural death possible है, present है, होती है, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच। क्लियर हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे लाइफ स्पैन को, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्या हो सकता है। देखो उसी पॉइंट को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हम लोग अलग अलग तरह के एक्सट्रीम वैल्यूज देख चुके हैं लाइफ स्पैन की, कि लाइफ स्पैन की कोई एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकती है, कि कितने से बड़ा लाइफ स्पैन क्या हो सकता है, छोटे से छोटा लाइफ स्पैन क्या हो सकता है। तो अब इसके स्टेजेस डिस्कस करने का टाइम है। लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन मेनली तीन फेजेस में डिवाइड होता है, ठीक है, मेनली तीन फेजेस में डिवाइड होता है। कौन कौन से हैं वो तीन फेज? फर्स्ट है किसी ऑर्गेनिज्म की बर्थ, यानी उसका पैदा होना, ठीक है, फर्स्ट है किसी ऑर्गेनिज्म की बर्थ। सेकंड ग्रोथ है, सेकंड है ग्रोथ, कि उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसी हो रही है, और लास्ट कि जहां वो सल्ट जाता है उसकी डेथ, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन टोटल तीन स्टेप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट उसकी बर्थ होगी, फिर उसकी ग्रोथ होगी, और ग्रोथ के बाद उसकी डेथ पॉसिबल है। अब देखो ग्रोथ, ग्रोथ हम लोग दो तरह की बताते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर ग्रोथ डिस्कस करनी हो तो दो तरह की डिस्कस करते हैं। फर्स्ट की प्री रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, प्री रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्शन से पहले की ग्रोथ फेज, ठीक है, और नेक्स्ट उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, ठीक है। प्री रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में क्या होगा? बर्थ के बाद जब ऑर्गेनिज्म कैपेबल होता है, जितना टाइम पीरियड या जितना टाइम वो कंज्यूम करता है, उसकी बॉडी कंज्यूम करती है वो कैपेबिलिटी अटेन करने के लिए, जहां पर वो रिप्रोड्यूस कर सकता हो, ठीक है, यानी उसका जर्मप्लाज्म एक्टिवेट हो पाए, उस टाइम को प्री रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। और जहां वो रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्टिव एक्शंस परफॉर्म होते हैं जहां उस ऑर्गेनिज्म में, उस टाइम पीरियड को, उस ग्रोथ के फेज को रिप्रोडक्टिव फेज बोला जाता है। और ये रिप्रोडक्टिव फेज जहां एंड होता है वहां पर सीनेसेंस, जीर्णावस्था या फिर एट लास्ट जो डेथ का रिजल्ट देती है वो स्टेज आ जाती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये टोटल इतने फेजेस में डिवाइड किया जाता है। अब इन्हीं को हम आगे डिस्कस करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, ओके okay?